हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यून नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इंडियन रेलवे में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र है वहां से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड परमानेंट भर्ती रहेगी ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं ये जो भर्ती रहेगी परमानेंट भर्ती है स्थाई जॉब है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए आज से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं 21 नवंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई अभी कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन रीड आउट जरूर कीजिएगा इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी वहां से आप इसको विजिट कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं चलिए अभी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ और जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं सारे आपके इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाए तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले भी आप अपने लेवल पर एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक किया कीजिए तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं So, यहां पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सी आर आई एस रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एंड जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए ये दो पोस्ट रहेंगे एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल सो ये क्या है द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको सी आर आई एस है इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओके सो so, यहाँ पर हम देखेंगे कि पोस्ट सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी ऑल इंडिया में वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो है बीस दिसंबर पूरा वन मंथ का आपको टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है इक्कीस नवम्बर से लेकर के बीस दिसंबर ट्वेंटी 20 दिसंबर टू टू तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट तो यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियर की है एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एच आर डी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट एंड यहाँ पर टोटल अगर हम देखें पोस्ट तो यहाँ पर कम है टोटल ट्वेंटी फोर पोस्ट है परमानेंट भर्ती है जरूर अगर आप एलिजिबल हो कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा अगर आपके लिए वैकेंसी है तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा एज लिमिट 22 टू टू ट्वेंटी एट ईयर यहां पर है और एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको एस सी कैंडिडेट को फाइव ईयर्स का ओबीसी कैंडिडेट को थ्री ईयर्स का पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलेगा टेन ईयर थर्टीन ईयर फिफ्टीन ईर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो सैलरी रहेगी लेवल सिक्स से सैलरी रहेगी यहाँ पर विग्निंग ऑफ द स्केल वुड बी रूपीज थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड पर मंथ प्लस डी एप्लीकेबल होगा जो भी यहाँ पर चार्जेज या अदर जो अलाउंसेज हैं वो मिलेंगे थर्टी एट परसेंट यहाँ पर डी रहेगा ओके सो सैलरी भी अच्छी खासी है अगर एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई जरूर कर लीजिएगा हाँ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज्यादा है मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर थोड़ी ज्यादा पे करनी पड़ेगी पहले हम यहाँ पर और रिक्वायरमेंट देख लें जैसे कि एज रिलैक्सेशन तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वैसे मैंने आपको बता दिया आप यहाँ पर भी इस टेबल में देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए दिया गया है सो तो अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो चेक कीजिएगा अब यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तीन साल का डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ सीजीपीए फिफ्टी फाइव परसेंट्स और जो एस एस टी कैंडिडेट है उनके लिए फिफ्टी फाइव डब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए भी फिफ्टी फाइव परसेंट लेकिन जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए सिक्सटी परसेंट से पास आउट होना चाहिए डिप्लोमा शुड बी रिकॉगनाइज बाय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो किसी भी स्टेट से आपने किया है कहीं से भी आपने किया है अगर आप इसमें एलिजिबल हो या अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकेंगे थ्री ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है टाइप से इसमें पेपर CBT जो वेस्ट होगा कंडक्ट किया जाएगा उसका सिलेबस पर दिया गया है साइड में आप यहाँ देख रहे हैं ओके सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आप सभी जो भी डिसिप्लिन है सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया जूनियर सिविल इंजीनियर तो थ्री ईयर का डिप्लोमा इन इंग सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास हो इसके अलावा जो सेकंड थर्ड uh, है एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एचआर तो इसमें आपने ग्रेजुएशन में आर्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है या साइंस से ग्रेजुएशन किया है विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है एम आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ वही रूल्स होगा एस सी कैंडिडेट और पीडब्लू कैंडिडेट के लिए मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट रहेगा यहाँ पर सिलेबस साइड में दिया गया है आपके सीवीटी के लिए एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है कॉमर्स सब्जेक्ट से तो आपने ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में किया हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हो या एम आपने किया हो इन फाइनेंस तो अप्लाई कर सकते हैं या डिग्री डिप्लोमा आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी टी ई से होना चाहिए मिनिमम 60 परसेंट मार्क्स के साथ ये एक् तो लास्ट की पोस्ट है इसमें भी थ्री ईयर का डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपने थ्री ईयर का डिप्लोमा किया है या आपने एम किया है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से सिक्सटी मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओके सो यहां पर हमने क्वालिफिकेशन देख ली है यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा मार्क्स एंड क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामेशनस तो हमने मिनिमम आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए वो देख लिया एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मैंशन बिलो आइटम यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यहाँ पर बारह सौ रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अब जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं एस सी एस टी कैंडिडेट हैं ई डब्ल्यू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हंड्रेड रुपीज रहेगी अप्लाई कैसे करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पर देख रहे हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप जाएंगे तो वहां से आप नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और वहीं से आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा सो आप वहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ठीक है मोड ऑफ सिलेक्शन तो ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका जिसको आप यहाँ पर सिलेक्शन uh, प्रोसीजर में रहेगा लास्ट में इसमें मेडिकल फिटनेस होगा पोस्टिंग तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट कुड भी पोस्टेड एट दिस हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है वहां पर पोस्टेड हो सकते हैं या एट एनी ऑफ रीजनल ऑफिसेज एट न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली के जो अदर रीजनल ऑफिसज हैं कोलकाता मुंबई चेन्नई सिकंदराबाद यानी जो हैदराबाद और एनी अदर प्रोजेक्ट साइट इन इंडिया जहां पर भी प्रोजेक्ट साइट्स हैं सभी में मीन्स आपको ऑल इंडिया में जहां पर भी ऑफिसेस हैं सब ऑफिसेस हैं या हेडक्वार्टर कहीं भी आपको पोस्टिंग इसमें की जा सकती है ऑल इंडिया रहेगी आपकी पोस्टिंग ओके सो यहाँ एक्स सर्विस मैन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको यहां देना होगा द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रूपीज टू लाख यहाँ पर रहेगा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ओके okay? सो so ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, सारे क्लियर कर दिए फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू